पीएम ने दिए कश्मीरी आवाम से संवाद बढ़ाने के संकेत, लेकिन अलगाववादियों पर वार। कहा, जिनके हाथ में लैपटॉप किताबें होनी थी उन्हें थमा दिए पत्थर। जाकिर नाइक और उसके फाउंडेशन पर आतंक को बढ़ावा देने के सबूत, मुंबई पुलिस ने सौंपी जांच रिपोर्ट। फडणवीस बोले, जाकिर नहीं लौटता तो उसे लेकर आएंगे विदेश। गंभीर टिप्पणी इस रिपोर्ट में की गई। सीएम अखिलेश ने मानी बुलंदशहर गैंगरेप केस में पुलिस की लापरवाही। चीफ सेक्रेटरी की सारे डीएम एसएसपी को जेल में डाल देने की चेतावनी। मेरे बस के दिमाग में चढ़ गई तो मैं किसी दिन उठा के बड़े सीनियर को बंद कर देते। नकली बाल और दाढ़ी के साथ ना अदा करें नमाज, दारुल उलूम देवबंद का फतवा। सियासी पार्टियों ने कहा धर्म में हस्तक्षेप नहीं, तो किसी ने कहा फतवे को कुछ लोगों ने बना लिया बपौती। केनरा बैंक लोन डिफॉल्ट केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह के खिलाफ चार्जशीट। सीबीआई ने मतंग की पत्नी पर भी कसा शिकंजा। केस में 11 लोगों को बनाया गया आरोपी। रागी बिजनेस ग्रुप की लोन माफी पर संसद में उठे सवाल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा, आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के हुए कर्ज माफ। और